साहब कांशीराम ने भी कहा था, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और इनके संभोग से जो है सपोलिया पैदा हुआ दिल्ली में, केजरीवाल ये सपोलिया है और ये बहुत जहरीला बनिया है, ये समझने की जरूरत पड़ी। एक हमारे बाबा साहब के खिलाफ गांधी था और ये कि दूसरा है आरक्षण के तो हमेशा खिलाफ रहा है ये। इन लोगों ने मिलकर दिल्ली जलाई है। अभी आपने देखा इसके पार्षद की छत पे कितनी सारी चीजें मिली और दो मिनट में पल्ला झाड़ दे। कपिल मिश्रा को भी लाने वाला यही था, जिस आदमी को जेल होनी चाहिए, जिस पे FIR होनी चाहिए, उसको वाई प्लस की सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये सारे के सारे ब्राह्मण बनिए ठाकुर, ये सारे मिले हुए हैं, ये जलाना चाहते हैं इस देश को, ये एक ही परिवार के लोग हैं। केजरीवाल की 38 सीटों पे जो चुनाव हुआ, 38 सीटों पे मैच नहीं कर रही काउंटिंग मशीनें, लेकिन कोई नहीं बोला कि मशीन में गड़बड़ है। ये सारे के सारे मिले हुए हैं। आज मोदी भी मिलता है इससे, अमित शाह ही मिलता है, और जैसे ही मिलते हैं दिल्ली जलती है। जाफराबाद में इसके मंत्री है, सारे MLA हैं, वो कोई नहीं। केजरीवाल ने कहा मिलकर अमित शाह और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर, देखिए केजरीवाल की तो बाइट भी, इसने कहा कि मेरा बाप संघी था, मेरी माँ संघी था, हम संघी परिवार से हैं, ये सारे के सारे संघी लोग हैं। सचिव भाई, जिस तरह का माहौल है दिल्ली के अंदर, दंगे हुए, अब उन सब चीजों से ऊपर हटाकर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है ये दिल्ली दंगों का जो असर पड़ा है वो दलित समाज और दलित समाज के लोगों के साथ काफी अत्याचार हुआ है। ऐसे में संघ के कुछ लोग उसमें नजर आ रहे हैं उस वीडियो में, क्या कहेंगे? देखिए ये ना बहुजनों को भटकाने का एक रास्ता इन लोगों का। अरे इसमें पंडित जी भी मरे हैं और भी एक दो लोग मरे, उनका क्यों नहीं नाम ले रहे? इनको ये पता है कि जो लड़ सकता है ना वो बहुजन समाज का व्यक्ति है। अब दंगे हैं तो इन लोगों ने वेपन की तरह इस्तेमाल करना हमारे समाज के लोगों को, इसलिए ये लोग जो है ना अभी तख्तियाँ लेके, मैं मार्च भी देख रहा था कि दलितों को मारना बंद करो, इस तरह से दलित की हत्या कौन जिम्मेदार? अरे जो बरसों से आप लोग अत्याचार, हजारों वर्षों से जो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग हमारे लोगों पे करते आ रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? शिवपुरी हत्याकांड किसने किया? गोहाना में घर किसने जलाए? अभी मध्य प्रदेश नागौर में किसने किया? पूरे देश में हमारे साथ जो घटनाएं हो रही हैं सारा तो शरण जाति का व्यक्ति कर रहा, जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं। ये तो हमारे लोगों को अब की बार क्या हुआ, दंगों में वाल्मीकि जाति के लोग, चमार जाति के लोग, जाटा समाज के लोग, जितने भी बहुजन समाज के लोग थे, उन्होंने एक मिसाल कायम की दिल्ली में कि हम मुसलमान भाइयों से नहीं लड़ेंगे, हम मुसलमान भाइयों की मदद करेंगे, उनके साथ खड़े हैं। और सिखों ने भी खुल के साथ दिया मुसलमान भाइयों का। तो ये जो देखने को मिला समन्वय, इससे ब्राह्मणवादियों की, मनवादियों की खटिया जो है ना वो उल्टी हो गई। इनको लगा कि यार ये तो बिल्कुल सिस्टम उल्टा होगा। इन्होंने भाड़े के गुंडे बुला बुला के, बजरंग दल और जो इनके जो दल हैं, जो RSS की शाखाएं हैं, पूरे अलग अलग स्टेटों से बुला करके इन लोगों ने दंगे करवाए हैं। और ये तो इनकी चाल है, बहुजन अब इस चाल में नहीं आ रहा। ये सोशल मीडिया, मैं तो थैंक्स करूंगा आप लोग जितने भी चैनल हैं कि आप लोगों की वजह से अवेयरनेस आई है, नहीं तो जितने भी लोग बैठे हैं अंजना ओम कश्यप जैसे लोग वहाँ लिपस्टिक लगा के बैठते हैं न्यूज रूम में और भड़काने का काम करते हैं, दिल्ली में जो दंगे हुए हैं उसका जिम्मेदार मैं मीडिया को 80% मानता हूँ, जो नेशनल मीडिया है, ये आज तक ये जितने भी चैनल हैं, इन सारे लोगों ने कपिल मिश्रा का काम किया बैठ करके, इन लोगों ने भड़काने का काम किया, कभी हिंदू कभी मुसलमान, कभी हिंदू कभी मुसलमान, पूरा इनका फोकस ही हिंदू मुसलमान पर है। ये लोग दिल्ली को जलाना चाहते हैं, लेकिन अब दिल्ली के लोग इतने समझदार हो गए हैं कि इन गुजराती गुंडों की बहकावे में नहीं आने वाले, ये गोदरानी बनने देंगे इस देश को। ये दिल्ली हमेशा से शान रही है बहुजनों की, मुसलमानों की, जिस दिल्ली को जलाने का इन लोगों ने सपना देखा है वो इनका कहीं ना कहीं चूर हो रहा है। इसीलिए बहुजनों को उकसाने की ये कोशिश है इनकी कि दलितों को दिखाओ कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों का जो रिएक्शन है वो हमेशा एकदम आता है, आप लोग एकदम लोगों को अवेयर करते हो, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हमारे हैं वो एकदम अवेयर करते हैं, तो मैसेज फ्लैश होता है। और जो भाजपा के गुंडे बैठे हैं इस पे सोशल मीडिया पे, जो इन्होंने इंजीनियरिंग लगा रखी है, वो फेल हो जाती है। अभी 3-4 दिन पहले भी आप लोगों ने देखा, पूरा का पूरा दिल्ली में एक मैसेज था कि जी यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। हम लोगों ने पूरी दिल्ली में अपने यहाँ पर जो हमारा एरिया लगता है उसमें हमने खूब पुलिस के साथ रोड मार्च किया, पुलिस को अपने साथ रखा, लोगों को समझाया। सारे समाज के लोग समझ रहे हैं अब दिक्कत किसको हो रही है, दिक्कत सिर्फ ब्राह्मणवादी और मनवादियों को हो रही है कि अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो रहे। इनको जो ये हिडन एजेंडा जो था इनका कि भाई पहले मुसलमानों को टारगेट करो, उसके बाद आदिवासी बहुजन और उसके बाद सिख भी, इस देश में जो 15% लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा 15% भी नहीं बचे हैं ये लोग।
ये लोग इक्के दुक्के लोग बचे हैं, ये अगर इस देश में शांति से रहना चाहते हैं ना तो ये बहुजन अब समझदार हो चुका है, हम लोग डरने से नहीं मरते अब। नहीं नहीं, ये जो गृह मंत्री है ये क्यों नहीं बोल रहा दिल्ली के दंगों पे? प्रधानमंत्री कहता है कि हम लोग जो है सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं, ये प्रेशर खौफ है, ये आपकी जो सोशल मीडिया है जो यूट्यूब चैनल इसका खौफ है, प्रधानमंत्री के चेहरे पे दिख रहा है, ये लोग जवाब देने लायक नहीं रहे देश में। संदीप भाई, जिस तरह से कई इलाकों में जो ज्यादा प्रभावित इलाके थे, जाफराबाद और हम सीलमपुर जैसे मौजपुर जैसे इलाके की बात करें, वहां पर कुछ ऐसी मिसालें कायम की गई, दलितों ने और मुस्लिमों ने मिलकर वहां पर दंगाइयों को खदेड़ दिया, यानी कि उस इलाके में नहीं घुसने दिया, जबकि स्थिति ये थी, होनी चाहिए थी कि जो जनप्रतिनिधि थे, खासकर जो पूर्ण बहुमत यानी प्रचंड बहुमत के साथ जो आम आदमी पार्टी जीत कर दिल्ली की सत्ता में आई है, उनके विधायक दंगा पीड़ित ग्रस्त जो क्षेत्र थे वहां पर कहीं नहीं दिखाई दिए, जबकि अगर ऐसे एक मिसाल कायम जो जिस तरह की मिसाल देखी गई है उस तरह के हिसाब से देखा जाता तो शायद इस दंगे को कंट्रोल कर लिया जाता और एक सद्भावना वहां रखी जा सकती। देखिए आप एक चीज देखो, स्पष्ट सी बात है, साहब काशीराम ने भी कहा था, एक सापनाथ है एक नागनाथ है, और इनके संभोग से जो है सपोलिया पैदा हुआ दिल्ली में, केजरीवाल ये सपोलिया है और ये बहुत जहरीला बनिया है, ये समझने की जरूरत पड़ेगी। हमारे बाबा साहब के खिलाफ गांधी था और ये के दूसरा है, आरक्षण के तो हमेशा खिलाफ रहा है ये, इन लोगों ने मिलकर दिल्ली जलाई है। अभी आपने देखा इसके पार्षद की छत पर कितनी सारी चीजें मिली और दो मिनट में पल्ला झाड़ दे, कपिल मिश्रा को भी लाने वाला यही था, जिस आदमी को जेल होनी चाहिए जिस पर FIR होनी चाहिए उसको वाई प्लस की सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये सारे के सारे ब्राह्मण बनिए ठाकुर ये सारे मिले हुए हैं, ये जलाना चाहते हैं इस देश को, ये एक ही परिवार के लोग हैं। केजरीवाल की 38 सीटों पे जो चुनाव हुआ 38 सीटों पे मैच नहीं कर रही वो काउंटिंग मशीनें, लेकिन कोई नहीं बोला कि मशीन में गड़बड़ है, ये सारे के सारे मिले हुए हैं। आज मोदी भी मिलता है इससे, अमित शाह ही मिलता है, और जैसे ही मिलते हैं दिल्ली जलती है, जाफराबाद में इसके मंत्री है, सारे MLA हैं, वो कोई नहीं। केजरीवाल ने कहा मिलकर अमित शाह और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर, देखिए केजरीवाल की तो बाइट भी, इसने कहा कि मेरा बाप संगी था, मेरी माँ संगी था, हम संगी परिवार से हैं, ये सारे के सारे संगी लोग हैं। ये तो इन्हें आपने देखा नहीं, इसने कहा मैं कांग्रेस का भी मंत्री हूँ, CM हूँ मैं, BJP का भी CM हूँ मैं, आम आदमी का भी CM हूँ, ये सारा का सारा एक जो है ना इन्होंने बढ़िया तैयार कर लिया कि दिल्ली को जलाएंगे और आप चुपचाप बैठ रहना। अभी आप एक चीज देखो ना, कन्हैया के लिए इन्होंने दे दी परमिशन, लेकिन जिस व्यक्ति ने संविधान जला था इस केजरीवाल ने आराम कौर ने आज तक परमिशन नहीं दी उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की, क्यों? मेरे खिलाफ मुकदमा रोक के बैठा फाइल, मेरा वो झूठा आरोप लगाया इन्होंने, मेरी फाइल रोक के बैठा, मेरी पे सेंक्शन नहीं दे रहा। तो ये सारे का सारे एक ही परिवार के लोग हैं, समझना, बहुजन समाज के परिवार के लोग हैं। आप पूरे दंगा पीड़ित लोगों से मिले गए, क्या लगा आपको कि सबसे ज्यादा नुकसान किस समाज का हुआ है? देखिए जो नुकसान हुआ है सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, और मुसलमान भाइयों के घरों को, स्कूलों को, उनकी पार्किंगों को टारगेट कर करके जलाया गया है, और ये बाहर से गुंडे लाए गए हैं, ये मंसूबों में फेल हो रहे हैं ये लोग, इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे दिल्ली को जलाने के। तो ये लोग चाहते थे कि दलित और बहुजन मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हो जाए ताकि ये इनको बहका के NRC वगैरह CA वगैरह लागू करके फिर पहले मुसलमानों को टारगेट करेंगे, फिर बहुजनों को टारगेट करेंगे, सिख सारे लोग आ जाएंगे इसमें। ये हमें वोट हमारी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था उसको ख़त्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि आज EVM के खिलाफ भी पूरे देश में जन आक्रोश है, लोग सड़कों पर उतरेंगे EVM के खिलाफ भी, बहुत सारे संगठन हैं जो EVM के खिलाफ उतरना चाह रहे हैं, ये पहले ही मुद्दा ख़त्म कर देना चाह रहे हैं, सेकंड सिटीजन बना देना चाहते हैं हमारे लोगों को, जो इतने कठिनाइयों से परेशानियों से बाबा साहब ने महक दिलाए ये सिर्फ उस पर हथौड़ा चलाना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। मैंने कल एक पोस्टर देखा निर्भया कांड में जो फांसी की सजा हुई है उसमें एक पोस्टर देखा मैंने, उस पर लिख रखा, एक कोई पंडित है उसमें, उस पर लिख रखा कि जज साहब ब्रह्म हत्या हो जाएगी और ब्रह्म हत्या के पापी आप लोग होंगे इसको राष्ट्रपति के लिए। तो ये क्या है, ये मनुस्मृति है कि ब्राह्मण कुछ भी करे उसको कोई सजा नहीं है। अब ऐसा नहीं चलेगा, ब्राह्मण हो बढ़िया हो ठाकुर हो चाहे कोई भी हो इंसान, अगर वो गलत करेगा तो बाबा साहब के संविधान से बचने वाला नहीं है वो। ये सारी जो षड्यंत्र है संविधान में जो मूलभूत अधिकार हमें दिए गए हैं उनको खत्म करने का षड्यंत्र है सर। देखिए सरकार इनकी, सुप्रीम कोर्ट में दलाल बैठे हैं, जज
जजमेंट देते हैं, जस्टिस होता नहीं है। सारी जगह आरएसएस हाईजैक कर रखा, आरएसएस ने देश को ना, आरएसएस चला रही है देश को, पूरा सिस्टम हाईजैक है। देश को बचाना है तो संविधान को बचाना पड़ेगा, सभी लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। आज मैं सल्यूट करता हूँ मुसलमानों को, साइना बाग में बैठी हमारी माँ बहनों को, कि उन्होंने इतनी बड़ी अवेयरनेस देश में लाई कि इस मुद्दे को इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया। आज पूरी दुनिया में इस मोदी सरकार की थू-थू हो रही है, ये चाहे कुछ भी करे, लेकिन आज ये सरकार फेल हो रही है। ये सरकार गिरनी चाहिए और तड़ीपाड़ अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, जितने भी लोग दंगाई हैं सबके इस्तीफे दें। और मैं बहुजन समाज के लीडरों से स्पेशली आह्वान करता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, जितने हमारे समाज के लोग संसद में बैठे हो, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, सारे के सारे इस्तीफा दे दो। बचने वाली तुम्हारी बहन बेटियाँ भी नहीं है, ये सोच लेना। ये हमारी बहन बेटियाँ जो बेचारे गरीब हैं वो तो मरेंगे, तुम्हारी कोठियों में घुस घुस के दंगाई बहन बेटियों को बलात्कार करेंगे, शोषण करेंगे, तुम्हारे मकानों पे महलों पे कब्जे करेंगे, और तुम लोगों रोड पे कब ले आएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आज लड़ना पड़ेगा समाज के लिए, सबको उतरना पड़ेगा। सरकार गिरा दो, ये सरकार निकम्मी है, जब तक सरकार नहीं गिराओगे ये शोषण चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है।